not change your aim, change the approach. आपकी जो aim है, ambitions है, उसको बदलोगे ना तो कहीं नहीं रहोगे. अक्सर लक्ष्य बदलने वाले लोग भटकते हुए मिलते हैं और उनका कोई किनारा नहीं होता है. तो इसलिए हमेशा ये चीज, आप जो भी शुरू करें एक लक्ष्य बनाएं, एक ambitions. मैंने सीखा, मेरे गुरुजी ने कहता था, मेरे बाबूजी कहते थे और मेरे बाबूजी अभी भी कहते हैं, और मैंने अपने गुरुओं से यह सीखा कि बाप लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जिद एक ही होना चाहिए. When we are talking about aim, आपने बनाया ही क्यों अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. इसीलिए रिसर्च कीजिए अपने एम को चुनने के पहले. लेकिन एक बार जो बन गया तो बढ़ चले हैं वो कदम, अब रुकेंगे नहीं. तो बस वैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम तो घर से निकले ही थे बांधकर सर पे कफन, जा हथेली पर लिए जो बढ़ चले हैं ये कदम. अरे जिंदगी खुद अपनी मेहमान, मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. वो एटीट्यूड कहाँ है जवान हो यार, वो जवानी में रवानी कहाँ है. इस उम्र में जो बना लिया, एक बार एम बना लिया, उसके लिए मेहनत रोज करना है. रोजाना आपको मेहनत करना जरूरी है और उसके लिए तैयारी तगड़ी होना चाहिए. और तैयारी के लिए पता तो हो किस चीज की तैयारी करना है. एक दिन बॉलर बनना है, दूसरे दिन बैट्समैन, तीसरे दिन साइंटिस्ट, चौथे दिन डॉक्टर. लल्ला कुछ नहीं बनोगे, कंफ्यूज बनोगे, जूते पड़ेंगे घर में भी और बाहर भी. एक एम बनाओ और बस उसकी तरफ बढ़ते जाओ. रोज मेहनत करना जरूरी है दोस्त, क्योंकि बगैर मेहनत के ना कुछ नहीं मिलता. शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट से क्या होता है कि आप शॉर्टकट से आप खुश हो जाएंगे थोड़े समय के लिए. याद रखना शॉर्टकट कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता है. घूम फिर के आप फिर से हाईवे पे आ जाओगे, फिर बोलोगे कि टाइम वेस्ट हो गया. इसलिए वन सिंगल एम, रोज छोटी छोटी छोटे एम बनाओ. प्रॉब्लम यह कि एक ही दिन में आप कुछ नहीं बन सकते हो. लेजेंड्स, लेजेंड कोई पैदा नहीं होता है दोस्त. उसको बनने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, नोबडी बिकम्स द जनरल विद इन अ डे. देयर इज अ जर्नी इन्वॉल्व इन दैट एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी. उस जर्नी की इज्जत होती है. तो अपनी खुद की इज्जत कीजिए, उस जर्नी की इज्जत कीजिए. और अगर सलाह चाहिए ना एम लेने के लिए, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपसे बगैर स्वार्थ के जुड़े हुए हैं, जो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि आप खुद की जिंदगी में बेहतर करें. उनके लिए कितना बेहतर करें इससे उनको कुछ लेना देना नहीं. दूसरों से ज्यादा और दूसरों की बातों से ज्यादा, ये मेरी सलाह है. एक बड़ा भाई समझ ले, छोटा भाई समझ ले, जो भी समझ ले, अपने लक्ष्य पर खुद को भरोसा करना पड़ेगा. और अपनी खुद की कॉन्शियंस होती है हमें, उसको समझना पड़ेगा. आगे बढ़िए, दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना पड़ेगा. आपको अपने आप से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता है. आपके माँ बाप और आप अपने आप को जानते हैं, आपको जानते हैं. उनसे डिस्कस कीजिए और याद रखिए अपने पैशन को. आपका जिस चीज में मन लगता है ना, घर वालों से लड़ाई मत करो, कन्विंस करो, बात करो उनसे. क्योंकि जो पैशन है ना वो सिर्फ आप जानते हो. और अगर आप अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, आपके कन्विक्शन में कमी है, आप दुनिया को क्या कन्विंस करोगे फिर. इसलिए सब अगर अग्री होंगे, आप सेम पेज पर होंगे, आपको मदद चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए अपने घर वालों का, और वो मिलेगा. बस अपने पैशन को अपनी जिंदगी में बदलो. मुझे पता है इस चीज को, क्योंकि मैंने जितने लेजेंड से मिला हूं सब में दो चीजें कॉमन थी. पहला, उन्हें हमेशा से वही बनना था, आज वो जहां पर हैं, उनने अपने रूट्स नहीं बदले. दूसरा, उन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो सभी बहुत डिसिप्लिन लोग थे और रोजाना वो अपनी छोटी छोटी मेहनत करते थे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए. इसलिए ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है. और स्टे फोकस. फोकस कैसे रहेंगे? सिंपल है, आंख बंद करके ध्यान करने से कुछ नहीं होता. बाबा बन जाओगे तिलक लगा के. सॉरी, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीर फकीर और बाबा बनने से कुछ नहीं होने वाला. यार सिविलाइज्ड हो, यहां पर हो, आपके मां बाप के साथ रहकर फोकस रहो ना. रोजाना आपको अपने आप के लिए 8 घंटे देना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देना. सोचो, अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा आपको. अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, बस पैशन में लगाइए, फिर देखिए मजा क्या आता है. एक शिकायत बड़ी कॉमन सी है कि टाइम कम पड़ जाता है. दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं ना, 24 घंटे ही थे सबके पास, 32 घंटे, 36 घंटे और 40 घंटे. 40 घंटे वाले आदमी से मैं तो मिला नहीं. तो ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, आप जितने बजे उठते हैं वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है. आप रात को 2 बजे सोते हो, आप 2 बजे उठते हो, ठीक है, दैट इज बैड.
बट ठीक है, कई लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी, उनकी मजबूरियां भी है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। आप जब भी उठें ट्रेनिंग करें। दूसरा एक बहुत सिंपल सी चीज है, जब ट्रैफिक होता है ना तो हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होने वाला, और ना आप उड़ के जा सकते हो, स्पाइडरमैन असल में नहीं होते दोस्त, और अगर उड़ के जाओगे तो चालान भी लगेगा, पिटाई भी पड़ेगी। तो ट्रैफिक को दोष मत दो, कोशिश ये करो कि पहले निकलो, वक्त से पहले जब आप निकलेंगे तो आप जगह पर पहुंच जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का टाइम डिसाइड करना पड़ेगा आपको, बस टाइम डिसाइड कीजिए, आगे बढ़िए और कंप्लेंस कम कीजिए। सिपाहियों को अपने लक्ष्य का पता होता है। बींग अ सिंपल सन ऑफ दिस मदरलैंड, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक अबाउट आर सोल्जर्स, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत सिंपल है ना, एक टास्क दिया जाता है, चाहे वो बंकर बनाना हो, चाहे वो राशन लाना हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे अपनी एक रेजिमेंट को मूव करना हो, चाहे जंग लड़ना हो, याद रखिए वो कभी शिकायत नहीं करते हैं, बस वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर है कि हमें ये करना है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए रोज रोजाना छोटी छोटी मेहनत कीजिए। एम को सीधा रखिए, और बेइज्जती होना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा कहता हूं, जब बेइज्जती होती है ना तो अंदर एक आग जग जाती है, और उस आग की दम पे ही आप करते हो। तेज भागने के लिए आग की जरूरत है, रॉकेट को देख लेना कभी, नीचे आग लगी होती है इसीलिए इतना तेज भागता है। सो बेइज्जती, बस एक बात याद रखना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि आपके मां बाप की या आपके रिलेटिव्स ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहा होगा जो बेइज्जत किया होगा। उस बेइज्जती को याद करना, वो पावर देती है। हम में एक फियर होना चाहिए, वो डर होना चाहिए हम में कि यार अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी फैमिली के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अपने परिवार के लिए उस बेइज्जती को सहन करो, और उन सभी लोगों को जिनने आप पर शक किया है, आपकी ईमानदारी पर शक किया है, आपके पेरेंट्स की परवरिश पर शक किया है, उनको साबित करो कि वो गलत थे और आपकी परवरिश बहुत अच्छी थी। उतार चढ़ाव जिंदगी में आना जरूरी है। हमारे यहां कहीं पढ़ा था कि हार्टबीट जो है ना वो भी ऐसी चलती है, तो डरो मत उससे, धीरे धीरे हमें चलना है। मैंने एक ट्रक के पीछे बहुत सालों पहले पढ़ा था कि धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, और अगर बहुत तेज चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो याद रखना, हमें धीरे धीरे चलना है, और पहले मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर दिन चलते हैं, डायरेक्ट संडे नहीं आता। हल्की हवा चलती है उससे नींद आ जाती है, पंखे की हवा में, ठीक है, लेकिन बहुत तेज हवा चलती है ना तो तूफान में घर भी उड़ा ले जाती है। इसलिए छोटी छोटी मेहनत करेंगे, छोटे छोटे एम बनाएंगे, जब कंफ्यूजन हो पेरेंट्स के पास जाओ। अरे हर दुनिया के हर शास्त्र में लिखा है, इवन कुरान शरीफ में, मैंने मेरे एक यार ने बताया था मुझे कि एक फर्जंद की औकात अपनी वालिदा के सामने, वालिद वालिदा के सामने एक घायल परिंदे की होती है। पैरों में जन्नत बताई गई है। हर धर्म कहता है कि अपने माँ बाप के पास जाके सरेंडर कर दो, कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं अगर आज आपके सामने खड़ा हूं ना तो ये मेरे बाबूजी हैं, ये मेरी माँ हैं, सिर्फ उनके कारण ही खड़ा हूं, और उनकी वो परवरिश है, उनकी वो छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रखता हूं, कोशिश करता हूं कि मेरे उस एक्सपीरियंस से शायद आपका भला हो पाए। और मेरे पिताजी की एक बड़ी अच्छी चीज है जो सीखी थी कि बुरे वक्त में सिर्फ दो ही चीजें काम आती है, पहला अपने ही बाजुओं की ताकत और दूसरा अपनी ही अकल। इसलिए मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि आपको अपना फिजिकल, अपना बॉडी भी ट्रेंड करना है, अपना माइंड भी ट्रेंड करना है, और ये वो चीजें हैं जो कंप्यूटर पर बैठकर नहीं हो सकती है दोस्त। धूप में जाना पड़ेगा पूरी जनरेशन को। 93% अर्बन कल्चर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्यों? क्योंकि धूप नहीं मिलती है। नेचर दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, तो जाइए जरा उसका भी मजा लीजिए। और जब आप ट्रेंड होंगे ना लक्ष्य के लिए, एक बात बताइए, आप बहुत सक्सेसफुल बन गए, उसके बाद क्या करेंगे अगर उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाए तो? इसलिए सक्सेसफुल बनना, सक्सेस के मायने सबके लिए अलग हैं दोस्तों। मेरे लिए यह है कि एक गरीब बच्चे की मैं मदद कर पाऊं, कुछ लोगों की अपने ज्ञान से या जो भी मुझे छोटा सा लिटिल माइक्रो नॉलेज जिसको मैं कहता हूं उससे कभी किसी की मदद कर पाऊं, ये है मेरा लक्ष्य। बहुत सिंपल है कि मुझे दो चीजें करना है और जो मेरी जिद है और मैं करके रहूंगा। पहला, भारत में हर महिला को आत्मरक्षा सर्वाइवल टैक्टिक्स आना जरूरी है और कंपलसरी होना चाहिए। कराटे जूडो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर्वाइवल टैक्टिक्स, हाउ टू यूज अवेलेबल एक्सेसरीज और उसका उपयोग करके बचना कैसा, हर महिला को आना चाहिए, हर बच्ची को इंडिया में आना चाहिए। दूसरा,
डेढ़ साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी, जो मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूं ना, अगर वो ट्रेनिंग करी होती आपने तो शायद आज डिस्कशन ही नहीं कर रहे होते। एवरी इंडियन, एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रेन फॉर मिनिमम 1.5 ईयर। वो कल्चर है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग का। मजा आएगा, फिर मुझे आपसे बात करने की भी जरूरत भी नहीं रहेगी। कोशिश करेंगे कि आप और हम मिलकर कुछ अच्छा कर सकें इस राष्ट्र को। राष्ट्र क्या है दोस्तों? कुछ चंद लकीरें नहीं राष्ट्र कहलाती हैं। देश वो है जिसके लिए सिपाही रोज अपना घरबार छोड़ के लड़ रहा है। आपके लिए, आपको तो सिर्फ मेहनत करना है। सिविल की दुनिया में लक्ष्य बना के आगे बढ़ना है। देश के लिए मदद कीजिए। ये मैं आपसे बहुत एक भाई के तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अपने काम को बेस्ट कीजिए, देश को तरक्की करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। डू नॉट चेंज योर एम, चेंज द अप्रोच। आपकी जो एम है, एम्बिशन है, उसको बदलोगे ना तो कहीं नहीं रहोगे। अक्सर लक्ष्य बदलने वाले लोग भटकते हुए मिलते हैं और उनका कोई किनारा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा ये चीज, आप जो भी शुरू करें एक लक्ष्य बनाएं, एक एम्बिशन। मैंने सीखा, मेरे गुरुजी ने कहता था, मेरे बाबूजी कहते थे, और मेरे बाबूजी अभी भी कहते हैं, और मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि बाप लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जिद एक ही होना चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम, आपने बनाया ही क्यों अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था? इसीलिए रिसर्च कीजिए अपने एम को चुनने के पहले। लेकिन एक बार जो बन गया तो बढ़ चले हैं वो कदम, अब रुकेंगे नहीं। तो बस वैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम तो घर से निकले ही थे बांधकर सर पे कफन, जहां हथेली पर लिए जो बढ़ चले हैं ये कदम। अरे जिंदगी खुद अपनी मेहमान, मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो एटीट्यूड कहां है जवान हो यार? वो जवानी में रवानी कहां है? इस उम्र में जो बना लिया, एक बार एम बना लिया, उसके लिए मेहनत रोज करना है। रोजाना आपको मेहनत करना जरूरी है और उसके लिए तैयारी तगड़ी होना चाहिए। और तैयारी के लिए पता तो हो किस चीज की तैयारी करना है। एक दिन बॉलर बनना है, दूसरे दिन बैट्समैन, तीसरे दिन साइंटिस्ट, चौथे दिन डॉक्टर। लल्ला कुछ नहीं बनोगे, कंफ्यूज बनोगे, जूते पड़ेंगे घर में भी और बाहर भी। एक एम